इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रोहित निकम ने जलगांव के सांसद उन्मेष पाटिल और जलगांव के विधायक राजू मामा भोले को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखबारों के पन्नों पर विज्ञापनों की। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री और देश के दो नंबर के नेता माने जाने वाले अमित शाह आचार संहिता लगने से पहले जलगांव में युवाओं से संवाद करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए समूचे जलगांव भर में होर्डिंग, बैनरबाजी और अखबारों में विज्ञापनों की भीड़ लगी है। यह विज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए लगाए गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि सभी नेता और सांसद अमित शाह जी से कितना प्यार करते हैं। और इसी कड़ी में रोहित निकम ने अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर शायद बाजी मार ली है। एक मुख्य अखबार के पहले पन्ने पर रोहित निकम है, तो 13 नंबर के पन्ने पर विधायक राजू मामा भोले और 15 नंबर पन्ने पर जलगांव के सांसद उन्मेष पाटिल हैं। अब राजू मामा भोले और उन्मेष पाटिल तक पहुंचने के लिए क्या अमित शाह अखबारों के पन्नों को तलाशेंगे? क्या अमित शाह देख पाएंगे कि सांसद और विधायक ने कहां पर विज्ञापन दिया है? मजाकिया तौर पर चल रही इन बातों के पीछे कुछ लोगों के मन से सही बात भी निकल कर आई। बातों ही बातों में चौराहे पर खड़े लोगों ने कह दिया कि सांसद होने के नाते अखबारों के पहले पन्ने पर उन्मेष पाटिल जी का स्वागत वाला विज्ञापन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जलगांव शहर के लिए क्या किया है यह भी उन्हें बताना पड़ेगा, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना विज्ञापन पीछे रखा है, ताकि अमित शाह जी के सामने उन्हें कोई परीक्षा न देनी पड़ जाए। जलगांव में बहुत कम दिखाई देने वाले सांसद उन्मेष पाटिल ने जलगांव के विकास के लिए पिछले 5 सालों में क्या क्या किया है यह तो उनको ही पता, क्योंकि जनता के पास उनसे संबंधित जानकारी की कमी दिखाई ही देती रहती है। हालांकि जनता भी 5 साल पहले उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन मोदी की लहर में तो पत्थर भी तैर गए हैं। खैर, जो भी हो, जलगांव में अमित शाह जी के आने से सभी और भीड़भाड़ है और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण तो है ही, लेकिन क्या यह भीड़भाड़ चुनावी मत में कन्वर्ट हो पाएगी? और वह भी सांसद उन्मेष पाटिल के लिए, जिनकी टिकट भी अब खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी सारे लोग लाइन में खड़े हैं, साथ ही स्थानीय नेताओं से भी उनकी पटती नहीं है, ऐसी भी खबरें लगातार बाहर आ रही है। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइंस जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।